चलिए दोस्तों, आज अपना लोग औसत चैप्टर को करेंगे। औसत का इंग्लिश क्या होता है? एवरेज होता है। तो चलिए, पहला सवाल है अपना क्या, 5.3.2.4 का औसत ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले इनका औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं, उनके बाद इनको शॉर्ट में कैसे करेंगे उनको देखेंगे। देखिए, औसत बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। देखिए क्या होता है औसत बराबर फॉर्मूला, दिए गए अंकों का योग, जो ये नंबर दिया हुआ है ना, इन सभी का योग बट क्या, परिणामों की कुल संख्या। क्या है बट, परिणामों की कुल संख्या। तो चलिए फॉर्मूला को अपना लोग लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, दिए गए अंकों का योग। क्या होता है फॉर्मूला, दिए गए अंकों का योग बट क्या होता है, दिए गए अंकों का योग बट परिणामों की कुल संख्या। कितना परिणाम है तो आप लोग कह सकते हैं चार। तो क्या लिखेंगे, परिणामों की कुल संख्या। क्या होता है, परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, दिए गए अंकों का योग, जितना दिया हुआ है अंक, कितना अंक दिया हुआ है, 5, 3, 2, 4, इनका क्या योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, बटेम, देखिए बटे का मतलब क्या होता है, बटेम क्या कह रहा है, देखिए परिणामों की कुल संख्या मतलब कह रहा है कितना परिणाम है। तो आप लोग कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 परिणाम है, तो बट्टे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो चलिए मैं इन फार्मूला के माध्यम से सवाल को सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए क्या है, क्या कह रहा है, दिए गए अंकों का योग, औसत बराबर क्या होता है, दिए गए अंकों का योग। तो कितना अंक है, 5+3+2+4, ये नहीं हुआ, दिए गए अंकों का योग, जितना दिया हुआ अंकों का योग, प्लस का मतलब क्या होता है, योग होता है, बट्टे में क्या, परिणामों की कुल संख्या। कितना परिणाम है, 1, 2, 3, 4, तो कितना परिणाम है, तो 4 लिख देंगे। या यहाँ पे देखेंगे कि कितना अंक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 4 अंक है, तो 4 से भाग कर देंगे, यानी कि बट्टे में 4 लिख देंगे, बट्टे का मतलब हुआ भागी हुआ। ठीक है, तो अब चलिए इन नंबर को जोड़ देते हैं, इन सभी नंबर को जोड़ करके 4 से भाग कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए कितना होता है, 5, 3, 8, 2, 10, 4 कितना हुआ, 14 बट्टे कितना, 4, इतना अपना राइट आंसर क्या हो गया, 14/4। इनको यदि काटिएगा तो कितना मतलब हो जाएगा, 7 × 9 = 14, 2 × 2 = 4, यानी कि आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि 7/2 इनका औसत हुआ आंसर। कितना हुआ इनका आंसर, तो 7/2 इनका औसत आंसर हो गया। देखिए मेरे दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए एक कोई नंबर ले लेते, फिर से दूसरा सवाल लेकर के बनाते। देखिए ये ऐसे दिया होगा, 2, 3, 5, 4, 6 का क्या कहेगा, का कहेगा कि औसत का औसत ज्ञात कीजिए। क्या औसत ज्ञात करे या कीजिए, क्या बात हुआ, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए अपना लोग को क्या करना है, पहले देखना है क्या, कितना नंबर है, कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, कितना नंबर है टोटल, 5 नंबर है। तो 5 नंबर से क्या करना पड़ता है, अपना लोग को भाग करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जितना नंबर रहता है उनको क्या करते हैं, योग करते हैं, और जितना नंबर रहता है उनसे भाग कर देते हैं। कितना नंबर है, तो औसत कह रहा है, तो औसत लिख बराबर लिखेंगे, कितना नंबर है, 2+3+5+4+6 बट आप देखेंगे कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 कितना है टोटल नंबर की संख्या, नंबरों की संख्या, तो 5, यानी कि अंक की संख्या, अंक की संख्या कितनी है, 5, से 5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। देखिए क्या होगा, 6, 4, 10 क्या हुआ, 6, 4, 10, फिर ये क्या हो गया, 5, 3, 8, 2, 10, 10, 10 कितना हो गया आपका, 10, 10 कितना हो गया आपका मेरे भाई, तो 20 हो गया, 20/5 कितना मरतबे जाएगा, तो 4 मरतबे जाएगा। तो इनका राइट आंसर कितना हो गया, 4। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चैनल को आप लोग क्या करना है जानते हैं, सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब करके ही जाना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इनके बाद अगले वीडियो मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।